नमस्कार। उपसर्ग का तीसरा भाग लेकर के आया हूँ आपके सामने। दो भाग हमने मैंने अपलोड कर दिए, अब तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। इसमें हम प्रकार पढ़ रहे थे उपसर्ग के, 11 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब 12वां है इसका आ या अंग उपसर्ग, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आदेश है तो इसमें हम आंग प्लस देश ये हम लगाते हैं, आंग प्लस देश है, ठीक है। अब अगला है आहार है, आ भी लिख सकते हैं और आंग भी लिख सकते हैं, प्लस हार है, आंग प्लस हार है, आ प्लस हार है, ये उपसर्ग है। आयोग है, आ प्लस योग, आयोग आ प्लस योग, मूल धातु हो गई योग और योग हो गया और उपसर्ग हो गया आ उपसर्ग हो गया। आ या अंग बोलते हैं उसको, ये उपसर्ग आपको लिखना है, अंग लिखना है, अंग उपसर्ग होता है इसमें। आप आगमनम, आगमनम तो आ प्लस गमनम, आ प्लस गमनम हो गया, आ गमनम हो गया, मूल शब्द हो गया और ये धातु बोलते हैं इसको और ये बोलते हैं आ उपसर्ग को, यहाँ पर आ हो गया। अगला है नी उपसर्ग, नी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। नी प्लस योग, नियोग उपसर्ग यहाँ पर क्या है, नी उपसर्ग है, नी प्लस योग है, नी प्लस योग है, निवास है, नी प्लस वास है, निवास है। हम अलग कर रहे हैं, जो पूरा शब्द दिया गया इसमें से उपसर्ग को हम अलग कर रहे हैं, धातु से अलग कर रहे हैं। न्यास है, नी प्लस आश है। अब आप कहोगे कि ये नी कहां से आ गया, यहां पर तो आधा नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पर है? ये का यहां पर ई बनता है, जैसे ये न्यास लिखा है ना, न्यास ऐसे लिखा है ना, न आधा है यहां पर, ये है और यहां पर आ है और ये स है, तो यहां पर आधा अक्षर ये रह ले से पहले हो तो उसको ये को ई बन जाता है, तो यहां पर न ये का ई बन गया और आ और स हो गया। अब ई इसमें मिल गया तो ये नी प्लस आ स हो गया, नी प्लस आ स बन गया। इसी प्रकार से निधनम है, निधनम, नी प्लस धनम, जिसके पास धन न वो भी था ना, निर्धनम, निर्धनम में निर उपसर्ग होता है और निधनम में नी उपसर्ग होता है। अगला तो पढ़ते हैं हमें अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अधि कार्य शब्द है, अधि प्लस कार्य अलग कर दिया हमने, अधिकार है उपसर्ग अलग कर दिया मूल शब्द से, अधि प्लस है कार्य बन गया। अधिवास है, अधि प्लस वास हो गया, जो मूल शब्द है उससे हमें उपसर्ग को अलग करना है, अधिवास हो गया। अधीक्षक है, अधि प्लस इक्षक है, अधीक्षक है, अधि प्लस है इक्षक हो गया, अधि प्लस है इक्षक हो गया, अधि प्लस है इक्षक हो गया ना। अधि यहां पर है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यहां पर है दीर्घ संधि लगी है, अधि ई और ई मिलकर के बट ई का निर्माण करते हैं। अध्ययनम, ए धि प्लस अयनम, अध्ययनम हो गया ना, अधि प्लस है अयनम, जैसे यहां पर ए अध है और ये है, ये में ए आगे चले जाएगा, ए यहाँ पर आगे चले गया, अयनम बच गया, यहाँ पर ये है, ये का ई बन जाता है, ये का क्या बन जाता है ई, तो ये हो जाता है अधि, अधि प्लस है अयनम बन जाता है, अधि प्लस है अयनम। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि का प्रयोग हुआ है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यण संधि का। साथ साथ में मैं आपको थोड़ी थोड़ी संधि भी क्लियर करवाता जाऊंगा, बाद में हम संधि के बारे में पढ़े तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगला है अभी उपसर्ग, अभी हो गए, अभी प्लस
योग है, अभी प्लस है योग है, अभी प्लस है योग हो गया। अभिमानम, अभी प्लस है मानम हो गया, मूल शब्द से इसको अलग कर दिया, अभी प्लस है मानम हो गया। अभिवादनम, अभी प्लस है वादनम, अभी प्लस है वादनम हो गया। अभी से अलग कर दिया ये मूल शब्द, तो वादन अलग बच गया, अभी पहले रह गया, ये उपसर्ग हो गया अभी उपसर्ग। अभ्यर्थी, अभी प्लस है अर्थी, अभी प्लस है अर्थी, ये से पहले भयात अक्षर है तो यहां पर ये का क्या बन जाएगा, ये में से ए तो इधर निकल गया और ये जो ये है ये का बन जाएगा यहां पर ई बन जाएगा, तो ये भय भी मिल जाएगा, ई भय भी मिलती अभी हो जाएगा, अभी प्लस है अर्थी हो गए अभ्यर्थी। अगला उपसर्ग है अपि उपसर्ग, इसका लेते हैं अपि दानम लिखा गया, अपि प्लस है दानम, इसको अलग करते हैं इससे, तो ये मूल शब्द है दानम, इसमें जोड़ते हैं तो अपि दानम हो जाता है, और अपि जो उपसर्ग है इसको अलग करते हैं, अपि प्लस है दानम हो जाएगा। अगला है अपि हितम, अपि प्लस है हितम, अपि प्लस है हितम, हितम है मूल शब्द है, इससे उपसर्ग को अलग कर दिया, अपि प्लस है हितम। अब अगला अपना उपसर्ग है अति, अति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति धनम शब्द क्या है, अति धनम, अति प्लस है धनम, मूल शब्द से जो शब्दांश पहले वाला जो शब्द है, जो शब्दांश है उसको हमें अलग करना है, अति धनम, अति प्लस है धनम हो गया, जैसे अति सार है, अति प्लस है ये सार है, अति प्लस है सारे हो गया, अति प्लस है सारे, अति को अलग कर लिया तो सारे मूल शब्द बच गया, अति प्लस है सारे। अत्यंतम, अति प्लस है अंतम, अति प्लस है अंतम, वही बात हो गई यहां पर, ए ये तय आता है और ये में से ए तो आगे चला गया, ए ने तय और मैं अंतम हो गया, ये का ई बन गया और ये इसमें मिल गया, तय में मिल गया तो अति हो गया, अति प्लस है ये अंतम हो गया, अति प्लस है अंतम हो गया अत्यंतम। अगला है अतिरिक्तम, अति प्लस है रिक्तम, अति प्लस है रिक्तम, इसको हमने अलग कर दिया तो ये अतिरिक्त हो गया। उपसर्ग है प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग जैसे प्रतिदिनम शब्द क्या है, प्रतिदिनम, तो इसको करते हैं प्रति प्लस दिनम, प्रति प्लस है दिनम, ये शब्द को अलग कर लिया, दिनम जो मूल शब्द है इससे प्रति को अलग, प्रति दिनम हो गया। प्रतिकार है, इसको लिखते हैं हम प्रति प्लस कार है, ये इससे अलग हो गया, प्रति कार है, प्रति तो उपसर्ग हो गया और कार है जो मूल शब्द है वो बच गया, प्रति कार है। प्रत्याशा, प्रत्याशा अब वही बात हो गई, यहाँ पर यन संधि का जो नियम है वो लगेगा, यहाँ पर ये है ये का ई बनेगा, ये का ई बनेगा तो ई बनेगा तो वो तय में चला जाएगा, तय में चला जाएगा तो तय में ई की मात्रा प्रति हो गई, या सा है तो यहाँ पर ये में जो आ है वो आगे चला जाएगा, प्रति प्लस है आशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस है आशा, ये नियम इसी में लगेगा। प्रत्येकम, प्रत्येकम है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्र तय लिख दिया हमने, तय आधा है तो यहाँ पर ये होता है ना, ये से पहले आधा अक्षर हो तो ये का ई बन जाता है, तो ई बनेगा तो प्रति हो गया, और ये में से जो बचा है ए बचा है वो आगे चला जाएगा, प्रति प्लस है एकम हो जाएगा, प्रत्येकम, प्रति प्लस है एकम यानी प्रत्येकम हो जाएगा। अगला उपसर्ग लेते हैं हमें परि उपसर्ग, परि उपसर्ग में क्या होता है, परि, परि वा, परि प्लस है वार है, परि वार है, परिवार है, परि उपसर्ग हो गया, वार है जो मूल शब्द है वो बच गया, इसी प्रकार से परिजन है, परि प्लस जन ये हो गया, परिजन है उपसर्ग हो गया परि, और मूल जो शब्द है वो जन है। प्रियंक, प्रियंक में क्या होगा, देखो ये जो ये है ये से पहले जो कहते हैं कि जो ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना वो अक्षर है आधा होता है, ये मजबूत है इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, तो ये रह यहाँ पर क्या है आधा है,
तो यहां पर ये से पहले रे आधा है, तो रे आधा है तो ये में से ए तो आगे चला जाएगा, ए तो यहां पर चला गया, अंक ये आगे वाला लिख दिया, ये का क्या बनेगा, यहां पर ई बनेगा, ये का ई बनेगा, रे है ये, रे तो है ही, तो इसको परी प्लस अंक। थोड़ा सा यहां बता देता हूं, देखिए जैसे प्र प रे और ये, और आगे क्या है, ये में से ए निकाला हमने और यहाँ पर है आगे ये कह लिख दिया, ठीक है। अब ये का, अब पे और रे में ये का ई बनेगा ना, परी प्लस है ये अंक हो जाएगा, परी प्लस है अंक हो जाएगा, परी अंक हो गया ना। अब अगला है परी परीक्षा, परीक्षा इसका करते हैं परी प्लस है इच्छा, परी प्लस है इच्छा, परीक्षा में परी प्लस है इच्छा हो जाएगा। अगला अपना उपसर्ग है उद उपसर्ग, उद उद में क्या होता है, देखो उद प्लस भव, उद प्लस भव, साफ साफ दिख रहा है, इसको अलग करना है, उद प्लस भव उद्गार है, उद प्लस गार है, उद्गार है, उद प्लस गार है, उद प्लस है गार है, उद अलग हो गया, गार अलग हो गया, उद प्लस गार है उपसर्ग हो गया, यहां पर उद उपसर्ग हो गया। उत्थानम तय का यहां पर दय बन जाएगा, उद प्लस थानम, उद प्लस थानम। अब आता है अपना उच्चारणम, यहां पर हम कैसे जाते हैं, तो यहां पर है सूत्रों की सहायता से हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। अब यहां पर तय का जो चय होता है, दोनों समान होते हैं तो उसको उसका जो तय वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है, उद प्लस चारणम उत्तानम, उद प्लस चारणम हो गया, उद प्लस चारणम। उल्लेख, इसमें एक सूत्र होता है तोरली, तोरली नाम का इसमें सूत्र लगेगा, तो यहां पर जो लय से पहले उसी का आधा अक्षर लय होता है, तो उस लय का उसी वर्ण के अनुसार में उसको तय वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, तो यहां पर तय वर्ग का यहां पर आ जाएगा उद प्लस लेख है, उद प्लस लेख हो जाएगा, उद प्लस लेख हो जाएगा। अब अगला है अपना उप उपसर्ग, उप में क्या होता है, उप प्लस करोति, उपकरोति हो गया, अलग कर दिया मूल शब्द है इससे, उप को अलग कर दिया, उपकरोति उपवनम, उप प्लस वनम हो गया, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है। अगला है उपाचार्य, उप प्लस आचार्य, उप प्लस आचार्य अलग हो गया, आचार्य अलग हो गया, और इधर वाला जो उपसर्ग है उप है इधर रह गया, उपवास है, उप प्लस वास है, ये उपवास हो गया। इसमें से हम अलग करना सीख रहे हैं कि जो मूल शब्द है उससे उपसर्ग को कैसे अलग करते हैं, ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अपना अंतिम जो उपसर्ग है वह सु है, यहाँ करते हैं देखिए, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, ये मूल शब्द पुत्र है, इसमें सु लगा दिया सुपुत्र हो गया, जैसे हिंदी में कु लगाते क्या जाएगा, कुपुत्र, तो यहां पर सुपुत्र आएगा, सुमति, सु प्लस मति, अलग कर दिया एकदम सीधा साफ दिख रहा है, सु प्लस मति सुमति, स्वच्छंद। अब देखो यहां पर है वही नियम लगेगा यण संधि वाला, सु प्लस स्वच्छ आ गया ना, यहां पर अच्छ स्वच्छ, तो यहां पर है क्या नियम लगा था, वह का वह में से ए निकल गया, इधर चला गया, ये आ गया, वह में वह को पहले आधा अक्षर हो तो वह को क्या बन जाता है, ऊ बन गया, तो ऊ मिलकर के शू में मिल गया, शू प्लस अच्छ हो गया, स्वच्छ। स्वल्पम वही नियम फिर से यहां पर लगेगा, शू प्लस वह का ऊ निकल गया, अल्पम वह का ऊ निकल गया, वैसे ऊ निकल करके से में मिल गया तो सु हो गया, तो वह का तो ए निकल करके आगे आगे चला गया तो अल्पम हो गया, स्व प्लस है सु प्लस है अल्पम हो गया,
सुक्ति, शुक्ल से उक्ति, शुक्ल से उक्ति, यहां पर है ये कौन सी संधि लगेगी, यहां पर दीर्घ संधि आ जाएगी, छोटा उ और छोटा उ मिलकर के बड़ा उ का निर्माण करते हैं, तो यहां पर सुक्ति। तो अपना जो उपसर्ग का जो हम पढ़ रहे थे वो आज यहां पर समाप्त हो गया।